हेलो, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग डिशेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मीठे खाने की रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो बासमती चावल। इसे हम धोकर आधे घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। जिस तरह हम चावल पकाते हैं उसी तरह इसे चूल्हे पर चढ़ा दें। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल दें ताकि चावल अच्छा खिला खिला पके। यहाँ चावल अभी नहीं गले हैं इसलिए हम इसे थोड़ा और पका लेंगे। यहाँ चावल गल चुके हैं, अब हम इसे निथार लेंगे। हम एक बड़ी डिश में घी लगा कर रख लेंगे। अब इसमें चावल डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता से ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम एक भगोना लेंगे, इसमें डालेंगे घी। इसे अच्छा गर्म होने देंगे। यहाँ घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा कटा हुआ। मैंने तकरीबन 100 ग्राम्स लिया है। आपके पसंद के हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। ये अच्छा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ हम डालेंगे काजू कटे हुए। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज हुए तक। चलिए, काजू अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे कटे हुए बादाम। इसे भी अच्छे फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब डालेंगे पिस्ता कटे हुए। पिस्ता भी अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। यही घी के अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी। अब इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम्स शुगर। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज कलर। शुगर और कलर आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। आपको डार्क कलर पसंद है या लाइट कलर, और शक्कर आपको ज़्यादा मीठा खाते हैं या कम खाते हैं, वो हिसाब से ऐड कर लीजिए। जब तक ये पकता है हम 2 इलायची इसमें पीस के डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ खोपरा। अगर घर में कोई बड़े हैं या बच्चे हैं तो उन्हें चबाने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी खोपरा, इसलिए मैंने थोड़ा सा गलने के लिए रखा है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे चावल जो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें शीरे में मिला लेंगे। बाकी का और चावल भी इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ थोड़ा मैंने और कलर ऐड किया है क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा कम लग रहा था मुझे। यहाँ ऐड करेंगे किशमिश। अब ऐड करेंगे काजू बादाम और पिस्ता फ्राई किया हुआ। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए बचा लेंगे, बाकी का हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। 12 से 15 मिनट हम इसे पका लेंगे और आप देख सकते हैं शीरा सूख चुका है।
यहाँ हम थोड़े से दूध में खलाखन मिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे मीठे में। हमारा मीठा खाना रेडी है। हमारा मार्च में टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।